कर रहा हूं, ऐसे को वर्ल्ड क्लास कहोगे जिसको पता है कि हमारी टीम हार रही है और वो मारा जा रहा है और जिता गया, दिलेर है। और परसों एक इनिंग तुम देख रहे थे, टुक टुकी क्या की है, एक पूरा मैच जो आपने बना लिया। और फिलिप्स, मतलब माना कि फिलिप्स अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसने आप लोगों को निचोड़ के रख दिया, पूरी तरह से खोल करके रख दिया। वर्ल्ड क्लास बने हुए फिरते हैं जी, आप 140 की बात करते हैं, 145 की बात करते हैं, क्या तुम्हारी 140 और क्या तुम्हारी 145, मार मार के उसने उल्लू बना दिया फिलिप्स ने। भाई जान, हमारे बोलर 150 प्लस पे थे भाई जान। ग्रैंड फिलिप्स ने मार मार कर आपकी दुर्गत जो है वो बना दी। और जहां पर आपने मर्जी का ट्रैक बना के वहां पर भी जाओ कुछ नहीं कर पाते, तो ये इंडिया में जाके क्या क्या उखाड़ लेंगे, मेरा इंडिया में जाके क्या उखाड़ेंगे, इंडिया तो किसी को वहां पर नहीं देता है। और ये वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में जाएंगे, वहां पर जाके ये मेरे जो क्या है इन्होंने क्या उखाड़ लेना वहां पर जाके, आप मुझे बताएं। इंडिया को देखें, इंडिया जीत रहा है अपनी होम सीरीज पे, जीत रहा है होम मैचेस, जीत रहा है, सीरीज भी जीत गया है। और हमें देखें, हम हारी बैठे, यही तो आता है सारा मसला आता है ना कि जब वो लोग जीत रहे तो हम क्यों नहीं जीत रहे। 100 सालों तुम्हारे लिए यही अच्छा है, बेइज्जत रहो, सदा बेइज्जत रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। घंटे का किंग साले। चलिए आखिरी मैच था, 3 महीने के बाद अब क्रिकेट सीरीज है, घर पर हार 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 हार। बाबर आजम, मैं तेरे होटल आ रहा, जूतियां मारन, मैंने तेरे रूम का नंबर पता लग गया, पहुंच होटल तू, मैं आ रहा हूं, नहीं आ रहा, गड्डी कट। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में चलने वाली क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने इस तरीके से धोया है कि देखते ही बनता है। और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के जो रिएक्शन है इसमें, वो देखने से आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को आखिर तक के देखिए और मज़े लीजिए वीडियो का। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के बीच में कैसी खलबली मची है न्यूजीलैंड की जीत से। तो चलिए मज़ा लेते हैं, देखते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। रात को बैटिंग मुश्किल हो रही है इन पिचेस पे भाई, उन्होंने तुम्हें रात को ही धो दिया। वो जो शादी चल रही है ना, ये 6-8 खिलाड़ी जो चल रहे पाकिस्तान टीम में, जो लगा में बाबर आजम के हाथ में थी, काला स्याह सफेद का जिम्मेदार अकेला था ये, और किसी को जवाब दे नहीं होना चाहता था, ये ढिठाई से बैठ के बोलता था, ये वो लालत का तसव्वुर है जिसकी आखिरी शाम भी इसको लालत ही मिली है। अब तुम न्यूजीलैंड को चार्ज का मशवरा दे रहे हो, अच्छा। वो तो पूरा ढक्कन टाइट चार्ज कर गए तो मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसे को वर्ल्ड क्लास कहोगे जिसको पता है कि हमारी टीम हार रही है और वो मारा जा रहा है और जिता गया, दिलेर है। और परसों एक इनिंग तुम देख रहे थे, पाकिस्तान के नाम पे क्रिकेट खेल खेल के यही पे ब्रेक लगा के पाकिस्तान के लिए ठीक लड़के लेके आ जाओ, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट को ये लोग आने वाले 6 महीने में कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। वर्ल्ड कप 50 ओवर में जनाजा निकल जाएगा। चले बाबर, बाबर से रिजवान, रिजवान से बाबर, बाबर से रिजवान, इधर से गेंद चली आ रही रोक के बाहर, इधर रोक से वसीम चंपू, और बस गेम खत्म। 4 में से 3 बार स्टंप हुआ है बाबर आजम इसी सीरीज में, इसका मतलब क्या है, टांगे क्यों उठ रही है। जब घटिया परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान की टीम अपना मुंह काला करवा के कराची से वापस जा रही है, और लाना था भाई साहब इनके ऊपर, थ्रू है मेरी तरफ से इनके ऊपर, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, और इसको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग मानते हैं, और जूते मारो ऐसी बॉलिंग को। वर्ल्ड क्लास बने हुए फिरते हैं जी, हम 140 की बॉल करते हैं, 145 की बॉल करते हैं, क्या तुम्हारी 140 और क्या तुम्हारी 145, मार मार के उसने उल्लू बना दिया फिलिप्स ने। 150 की स्पीड से बॉल कर रहा है हारिस राउफ, और जो 250 की स्पीड से वो छक्का जा रहा है बाउंड्री से बाहर, और ये है भाई साहब आपका वर्ल्ड क्लास बॉलर है। इन्हें घर में नहीं जीता जाता इनसे मैच भाई, टेस्ट हरवा दिया आपने, वनडे हरवा दिए, तो कब जीतोगे तुम लोग, कब जीतोगे, ना तुमसे T20 जीतने होता, ना तुमसे वनडे जीतने होता, क्लूलेस तुम्हारी बॉलिंग, क्लूलेस बैटिंग, क्लूलेस तुम्हारी कप्तानी, थर्ड क्लास किस्म का तुमने कप्तान रखा हुआ है। आज तुम्हारा किंग भी चला गया, फिर क्या हुआ, 13 बॉलों में 4 स्कोर, यही इसकी औकात है, ये जो तुम्हारा कचरा किंग है ना, इसकी औकात यही है कि 13 बॉल खेल के 4 स्कोर बनाओ, मुंह निकाले हुए बाहर चले जाओ, ठीक है वाले से बात ना करो, देख लो आपका किंग, आप इसको जूते मार के ODI की कप्तानी चढ़वाने वाले हैं। जहां पर आपने मर्जी का ट्रैक बना के वहां पर भी जाओ कुछ नहीं कर पाते, तो ये इंडिया में जाके क्या क्या उखाड़ लेंगे, मेरा इंडिया में जाके ये क्या उखाड़ेंगे, इंडिया तो किसी को वहां पर नहीं देता है, और ये वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में जाएंगे, वहां पर जाके ये मेरे जो क्या है इन्होंने क्या उखाड़ लेना वहां पर जाके, आप मुझे बताएं। कहां गए भाई, 150 प्लस फेंकने वाले बॉलर कहां गए भाई, कहां गए, बस हवा निकल गई। लगता है अब अल्लाह भी इनका साथ नहीं दे रहा भाई, अब ऊपर वाला भी इनका साथ नहीं दे रहा, ऊपर वाला भी इनसे परेशान हो गया। नोबड़ो नल्लो सालो, जीत तो सकते नहीं हो और लंबी लंबी बातें करने बैठ जाओ तो पता नहीं कौन सा पहाड़ गिरा देते हो पुस्की मार के। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इन बहर तो इतना बेइज्जत किया ना, इतना बेइज्जत किया हमारे आगे कि मैं कुछ बता नहीं सकता। अल्लाह हू अमीन, सब बोलो सुभान अल्लाह, भाई पट गई पाकिस्तान की, सुभान अल्लाह। पट नहीं गई, फाड़ के रख दी भाई, फाड़ के रख दी न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने, जोश
बटलर ने, बैन स्टॉक ने, किवी विलियमसन ने, फिलिप्स ने, सबने सबको मौका मिला, सबको मौका मिला, किसी ने भी धक्का मुक्की नहीं किया भाई, सबने सबर किया, एक एक बंदा लाइन से आके ना सबने अपना नंबर से ना उनका फाड़ दिया भाई, जबरदस्त भाई, बस मेरा जिगरा दिल कलेजा सब कुछ एकदम ठंडा हो गया है। और पाकिस्तानियों कितनी सूझी है, आज तो सूझ नहीं रही, आज तो जल के कबाब बन रहा होगा। सौ सालों तुम्हारे लिए यही अच्छा है, बेइज्जत रहो, सदा बेइज्जत रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। घंटे का किंग साले। होम ग्राउंड पे फिर एक दफा हम घर में आ रहे हैं यार, घर में आ रहे हैं, दो आवर पीछे से इंडिया देखे, इंडिया को देखे, घर में कैसे जीत रहे हैं वो, श्रीलंका से कैसे जीते हैं, दोनों मैच जीते हैं, और हमें देखे जरा यार, आप दो गई है, हम ना टेस्ट जीते हैं, इंग्लैंड से भी हम टी20 सीरीज आ गए थे, याद होगा आपको, इधर भी आ गए, क्या की है, एक पूरा मैच जो आपने बना लिया, और फिलिप्स मतलब माना कि फिलिप्स अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसने आप लोगों को निचोड़ के रख दिया, पूरी तरह से फोर करके रख दिया। नहीं आप ये देखें, आप ये कोई कम हार नहीं है, ये बहुत बढ़िया हमारी हार है, कि हम अपने घर के अंदर व्हाइट बॉल भी हार रहे हैं, रेड बॉल तो हम हारे जा रहे हैं, व्हाइट बॉल भी हारने लग गए, पहले आप टी20 सीरीज इंग्लैंड के हाथों हारे हो, उसके बाद आप न्यूजीलैंड से रेड बॉल हार गए हो, अब आप ओडीआई सीरीज अपने घर के अंदर हार गए हो, वो इस घर को छोड़ के कहीं और अपना शिफ्ट हो जाओ। इंडिया को देखें, इंडिया जीत रहा है, अपनी होम सीरीज पे जीत रहा है, होम मैचेस जीत रहा है, सीरीज भी जीत गया है, और हमें देखें हम यही तो आता है, सारा मसला आता है ना कि जब वो लोग जीत रहे तो हम क्यों नहीं जीत रहे, देखिए मैच फिनिशर बनेगा तो विराट कोहली से कंपेयर करने जोगा होगा ना, फिर कहते हैं जनाब बाबर आजम के फैन के विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब विराट कोहली बेहतर है, बाबर आजम भी कोई कम नहीं है, लेकिन भाई यहीं से पता लगता है, अगर कल बाबर आजम इतना चौका होता तो मैच फिनिश करा के जाता ना, मैच खत्म करता, जीता हुआ मैच अगर वो जितवा के जाता, लेकिन वो जनाब आउट हो गए। ग्रैंड फिलिप्स ने मार मार कर मार मार कर मार मार कर मार मार कर आपकी दुर्गत जो है वो बना दी, और सबको बता दिया कि जो दिलेर होते हैं उनको फिर कुदरत जो है फटा देती है। आज पता चला चेस कैसे होता है, कैसे होता है चेस, जैसा ग्रैंड फिलिप्स ने करके दिखाया। यहाँ पर हमारे यहाँ जब बात की जाती है एग्रेशन की, बात की जाती है एग्रेसिव की, बात की जाती है, तो लोग कहते हैं क्या करें बाबर आजम, कर दिया जो बाबर आजम ने करना है, चाहिए आखिरी मैच था 3 महीने के बाद, अब क्रिकेट सीरीज है, घर पर हार 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 हार, बेशर्मी की दाव बचा दिया।